आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान को लेकर। इसमें अध्याय पहला भाग चतुर, इससे पहले भाग तीन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आज के इस पार्ट में अपन पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण और सहजीवी संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपने पहला जो पार्ट आया था उस पार्ट में अपने खाद्य पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें जो खाद्य पदार्थ बोले तो कार्बोहाइड्रेट बना था तो उसमें किस प्रकार से वो बनता है और क्या उसमें मुख्य तत्व होते हैं और साथ में सहजीवी संबंध क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पादपों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण पहला है वह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है और ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये पादपों में हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल उसकी सहायता से होती है और साथ में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और इसमें जल और CO2 की सहायता से होती है और जो उत्पाद बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है अर्थात पादप का भोजन होता है। यह जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें मुख्य तीन तत्व होते हैं, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर जो बनता है। फिर है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट में तत्व होते हैं तीनों वो तो होते ही है, साथ में नाइट्रोजन भी उपस्थित हो तो वो प्रोटीन होती है और प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और ये जो प्रोटीन होती है ये दलहनी पादपों में ज़्यादा बनती हैं, जैसे कि चने की दाल है, सोयाबीन है, मूंग दाल है, इसमें है जो ये प्रोटीन ज़्यादा रहती हैं और इनमें भी देखा जाए तो सोयाबीन होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास अर्थात निर्माण में भी जैसे मनमित कार्य है वो इसमें भी प्रोटीन का कार्य रहता है। मिट्टी में कुछ विशेष राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, ये जो मृदा होती है इसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिन्हें राइजोबियम बोलते हैं। ये क्या कार्य करते हैं? जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं और यह जो क्या करते हैं गैसीय नाइट्रोजन बोले तो N2 गैस के रूप में होती हैं, उनको उपयोगी यौगिक जैसे कि पादप किस रूप में उसका अवशोषण करें जैसे कि इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है ना, नाइट्रेट होता है NO3 और नाइट्राइट होता है NO2, तो इन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं फिर ये मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, फिर है जो ये जल में घुल जाते हैं नाइट्रोजन, नाइट्राइट और नाइट्रेट ये दोनों, और फिर है जो पादप जल के साथ में इसको अवशोषित कर लेते हैं और ये जीवाणु इन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रेट में बदलते हैं। तो ये किस प्रकार से है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी उसका स्थिरीकरण कर दिया नाइट्रेट के रूप में और फिर यही नाइट्रेट पादप प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोग करते हैं। ठीक है ना, फिर है जो ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है नाइट्रोजन। फिर है कीट बक्षी पादप। कीट बक्षी पादप क्या होता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है कीट बक्षी अर्थात कीटों का भक्षण करने वाला पादप। ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो है जो कीट को खा लेते हैं भोजन के रूप में। कुछ पादपों में गड़े जैसी संरचना होती है जो पौधे की पत्तियों के रूपांतरित भाग होते हैं। इनके पत्ते का शीर्ष भाग एक घड़े का ढक्कन का कार्य करता है। जब कोई कीट गड़े में प्रवेश करता है तो इसके रोमों में के बीच फंस जाता है। गड़े में उपस्थित पाचक रस के द्वारा फंसे हुए कीट का पाचन हो जाता है। कीटों के भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण है गठपर्णी, या गठपर्णी नहीं होता है रियल में, गठपर्णी होता है, गठ करते हैं गढ़ा। ठीक है, और पर्णी है ना उसकी पत्ती,
तो ये इसकी जो पत्ती होती है वो घड़े की तरह है, जो आकार परिवर्तित हो जाती है। और जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इस प्रकार का घटपर्णी पादप होता है और साइड में घट में रूपांतरित पत्ती दिखाई हुई है, ये इस प्रकार से होती है। और ऊपर जो एक ऐसा शीर्ष भाग रहता है, जैसे कोई कीट आता है इस पादे को बैठता है तो फिर ये जो इनके जो घटपर्णी का शीर्ष होता है, इसके रोम होते हैं पतले, रोम बोले तो सूक्ष्म बाल के समान संरचना होती है, इनकी भी इसमें फंसता है और फिर यह यहाँ पर ढक्कन भी बंद हो जाता है और इनके चारों ओर पदार्थ है जो स्त्रैत होता है और उसको जो इन्हें बोलते हैं पाचक रस, और इसको पाचन कर लेता है अर्थात कीट को खा लेता है। और इस प्रकार से पादप कीट का भक्षण कर लिया तो ये कीट भक्षी पादप कहलाता है और उदाहरण है घटपर्णी। इसके बाद में सहजीवी संबंध, कुछ जीव एक दूसरे के साथ में रहते हैं तथा अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। तो सहजीवी संबंध क्या है, इसमें क्या होता है, सहजीवी सहकार है साथ में, जीव यानी जीवित रहना, मतलब दो जीव होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक है जो उनको आवास प्रदान करेगा तो दूसरा उसको पोषक तत्व देगा, ठीक है। इसमें आपस में इस प्रकार से दोस्ती रहती है। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ वृक्ष होते हैं तो उनकी जड़ों में जीवाणु होते हैं और वो होते हैं कवक। और कवक क्या कहते हैं, कवक है जो पादप को जल पोषकों को अवशोषण करने में सहायता करेंगे, ये मृदा से जल और जो पोषण तत्व होते हैं उनको है जो पादप को देने में मदद करते हैं, और इसके बदले में यह जो पादप होता है उनको आवास प्रदान करता है, उनकी जड़ों में रहते हैं शायद उसके साथ में पोषण प्रदान करता है, भोजन बना के यह जो कवकों को देता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपस में क्या होता है, सहजीवी संबंध, ठीक है ना। पादप ने उनको पोषण प्रदान किया कवक को, और कवक ने क्या किया, जल एवं पोषक तत्व है जो पादप को दिया, इस प्रकार से आपस में संबंध रहते हैं। सहजीवी संबंध बनाने वाले जीव का उदाहरण लाइकेन है, जो एक कवक प्रजाति का है, और इसमें सहजीवी संबंध लाइकेन होता है, इसमें शैवाल और कवक दोनों होते हैं, वो कवक प्रजाति, ठीक है ना। तो लाइकेन इसका सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अब है कवक और शैवाल में सहजीवी संबंध। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, अपने जो पहले वीडियो में देखा था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें हरे रंग का द्रव्य वो क्लोरोफिल, इसके सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इसमें शैवाल होता है वो हरे रंग का होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित खाद्य अर्थात बोले तो भोजन कवक को देता है। तो इसमें शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और कवक को भोजन देता है, और इसके बदले में जो कवक होता है वो शैवाल को है जो आवास, जल एवं पोषक तत्व ये देता है। इस प्रकार वे आपस में दोनों की दोस्ती रहती है, और यह है लाइकेन, ठीक है ना। इसे लाइकेन बोलते हैं, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को लाइकेन बोलते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में जीवाणु, फलीदार पौधों की जड़ बोले तो जिसमें फली रखती हैं, और फली के अंदर क्या होते हैं, उसमें दाने होते हैं, अनाज होता है, ठीक है ना। तो फलीदार होते हैं पादप, जैसे कि अपने चना है, मटर है, मूंग है, सोयाबीन है, इसी प्रकार की दालें होती हैं, वो दलहनी पादप होते हैं, वो फलीदारी होते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तो ये राइजोबियम जीवाणु होता है, इन पादपों की जड़ों में रहता है, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन है जो इन पादपों को देता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि अपने भाग तीसरी वीडियो में देखा था, विलेय पदार्थ नाइट्रोजन का विलेय पदार्थ है जो पादपों के रूप में होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है, वही पादप है, इसको अवशोषण करते हैं।
चूँकि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, ये स्वतंत्र नाइट्रोजन को पादप कभी अवशोषण नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, विलेय के रूप में अवशोषण करेगा। बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं, आवास में रहने की जगह और खाद्यान्न भोजन उनके बदले में जो राइजोबियम को जीवाणु को देता है कौन, पादप। इनमें भी सहजीवी संबंध होता है, तो फलीदार पादपों और राइजोबियम इनके मध्य क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। और पहले था वो था लाइकेन, शैवाल और कवक का। इस प्रकार से आपस में दो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और ये होते हैं सहजीवी संबंध। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं राइजोबियम, ठीक है ना, इस प्रकार के पादप की जड़ होती है, उसमें गांठों के समान संरचना होती है, और गांठ होती है वो क्या होती है, राइजोबियम जीवाणु होते हैं उसमें। जैसे कि आपने दलहनी अपने खेतों में भी मूँग या है जो मूँग या फिर है जो आप दाल दलहनी पादप जो भी अपने बीज बोते हैं तो उसकी जड़ों में भी मोट है, जैसे कि उसकी जड़ों में क्या गांठें होती हैं, तो वो होते हैं राइजोबियम जीवाणु। दालों की फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती, दालों की फसल अर्थात दलहनी पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती है, उनको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं रहती, क्यों, राइजोबियम नामक जीवाणु चना मटर मूंग सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ये क्या होते हैं, इन पादपों की जड़ों में उपस्थित रहते हैं और उन्हें वायुमंडल से नाइट्रोजन को आपूर्ति करते हैं। यही कारण है कि दालों की फसलों में उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात उनको यूरिया अतिरिक्त ऐसी खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्यों, क्योंकि उसकी जड़ों में ही क्या है, राइजोबियम है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे कि अपन सामान्य उदाहरण देखें तो अपने क्या कहते हैं, बारिश के मौसम में जो ग्वार की फसल बोई जाती है तो अपन बोलते हैं खेल, एक बार जो ग्वार की फसल होती है खेल होती हैं, दूसरी बार उसमें जो कोई भी अनाज बोएंगे तो बढ़िया होगा, उसमें भी आवश्यकता नहीं रहती है उर्वरक की, क्योंकि उसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि उन्हें जो दलहनी पादप था ग्वार और उनकी जड़ों में क्या थे, नाइट्रोजनी जीवाणु थे, राइजोबियम जीवाणु थे। तो आज के वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की थी सजीव संबंध के बारे में, खाद्य पदार्थों के संश्लेषण के बारे में और कीट पक्षी पादप के बारे में। तो मैं नोट्स के रूप में आप लिखना चाहे तो पूरा लिख लेना, और वैसे तो आपको गृहकार्य के रूप में जो प्रश्न दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सजीव संबंध क्या है उदाहरण लिखिए, और दूसरा प्रश्न है कीट पक्षी पादप अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ये दो आप जो अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना। धन्यवाद, इन्हीं के साथ में आज अध्याय पहला पूर्ण हुआ, इसमें अगले वीडियो में अध्याय दूसरा शुरू करेंगे। धन्यवाद।